हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान ईयर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि भाई अगर कोई व्यक्ति डायबिटीज है जिसको, वो शराब पी सकता है नहीं पी सकता। बहुत बड़ा मिथ है आज के समय में कि भाई शराब पीने से आपके शरीर में शुगर लेवल कम हो जाता है। इसको भी समझेंगे कि क्या वाकई में शुगर लेवल कम होता है, तो मतलब कि शुगर को किस तरह से अफेक्ट करती है हमारे शरीर में एल्कोहल। वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छा लगता है लाइक करें, शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड के साथ और सब्सक्राइब करें ज्ञान ईयर द मेडिकल चैनल। ठीक है, अगर बात की जाए अल्कोहल की, तो जाहिर सी बात है शराब नुकसानदायक होती है, लेकिन अगर आप उसको लिमिट में लेते हैं तो वो सेफ भी होती है, इतना नुकसान नहीं पहुंचाती है। जाहिर सी बात है लिमिट क्रॉस करोगे किसी भी चीज की तो वो नुकसानदायक ही होती है। तो यहाँ पे मैं शराब को बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ, नहीं पीना चाहिए और मेरे कहने से आप रोकेंगे भी नहीं। बहुत से लोग डायबिटीज जिनको होती है वो शराब पीते हैं। तो पहली चीज आप ये मानो कि भाई शराब जो होती है जिसके अंदर अल्कोहल होता है, दारू, वो आपके लिवर पर जाके अटैक करती है, लिवर को डैमेज करती है, लिवर उसको धीरे धीरे मेटाबोलाइट करता है, लिवर उसको तोड़ने का काम करता है, तो लिवर पर बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाता है जब भी कोई व्यक्ति शराब पीता है। तो यहाँ पे आपके शरीर में शुगर जो होता है दोस्तों, ग्लाइकोजन के रूप में सेव होता है लिवर के अंदर, और शुगर को ग्लाइकोजन को शुगर में कन्वर्ट करने का काम लिवर का ही है। ठीक है, अगर बात की जाए डायबिटीज की, तो डायबिटीज के रोग को साइड में रखते हैं, नॉर्मल आदमी की अगर बात की जाए तो हर व्यक्ति को शुगर की जरूरत होती है। आपको जो एनर्जी मिल रही है वो शुगर की वजह से ही मिल रही है। तो क्या होता है कि लिवर उसको ग्लाइकोजन से शुगर में कन्वर्ट करके आपके शरीर को प्रोवाइड करता है और आपको एनर्जी मिली रहती है। जब भी कोई व्यक्ति एल्कोहल कंजप्शन करता है तो आधे से ज्यादा लिवर एल्कोहल में बिजी हो जाता है, तो फिर वो क्या होता है दोस्तों, ग्लाइकोजन को शुगर में कन्वर्ट नहीं कर पाता। तो बहुत से लोग जिनको शराब पीने के बाद चक्कर आते हैं, या बोलते हैं कि आदमी सो जाता है, क्योंकि उसके शरीर में, जाहिर सी बात है ब्रेन पे तो अफेक्ट होता ही है अल्कोहल का, लेकिन उनके शरीर में शुगर लेवल भी कम हो जाता है, हाइपोग्लाइसीमिया डेवलप हो जाता है। और ये जो हाइपोग्लाइसीमिया दोस्तों, वो भी नुकसानदायक होता है, आदमी को चक्कर आते हैं और बिल्कुल एनर्जी नहीं रहती है। अगर आपको शराब पीने के बाद ऐसा लगता है तो आप समझ जाओ कि आपके शरीर में शुगर लेवल कम हो चुका है, क्योंकि आपका लिवर शुगर आपको दे ही नहीं रहा है। जो ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करता है ना, वो मिल नहीं पा रहा है आपको, क्योंकि लिवर बिजी है अल्कोहल के साथ। तो ये बहुत कॉमन सी बात है जो आपको समझना जरूरी है, और ये 24 घंटे तक हो सकता है, आदमी को एनर्जी नहीं रहेगी शरीर में। यहाँ पे अगर बात की जाए चखने की, तो देखो कई लोग ऐसे होते हैं कि चखना बिल्कुल भी नहीं लेते हैं शराब के साथ, जो बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि प्रो ड्रिंकर्स, जिनको सीधे डायरेक्ट नीट पीने की आदत होती है या डाइल्यूट नहीं करते हैं शराब को, अल्कोहल को, तो ऐसे लोग क्या होता है चखना नहीं लेते हैं। तो ये भी बहुत डिपेंड करता है कि आप चखने में या खाने पीने में क्या ले रहे हैं, ठीक है ना। तो वो भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप बिल्कुल भी चखना नहीं लेते हैं या छोटा मोटा चिप्स ले लेते हैं, तो आपके शरीर में बिल्कुल भी शुगर लेवल नहीं रहेगा, शुगर बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। और यहाँ पे अगर बात की जाए डायबिटीज के मरीजों की, तो देखो ऑलरेडी उनके शरीर में शुगर कि दवाइयां चल रही होती हैं, तो शुगर लेवल कम कर रहा होता है, और यहाँ पे आप अल्कोहल ले लेते हैं तो शुगर लेवल बहुत ज्यादा कम हो जाता है। इंसुलिन की अगर बात की जाए, तो इंसुलिन इंजेक्शन लगवाने के बाद आप शुगर लेवल की बात करें तो अल्कोहल और ज्यादा कम कर सकता है, कई बार तो जान पे भी बन आती है। तो ऐसी गलती नहीं करना, अगर आपको शराब पीने का शौक है, आप पीते हैं, तो आप कम मात्रा में लें, एक पैक दो पैक, ये 30 ml मेडिकल साइंस में प्रूव हुआ है कि ये आपको नुकसान नहीं पहुंचाता है, बेनिफिट्स ही देता है। और डिपेंड ये भी करता है कि शराब कौन सी है, हर शराब के अलग अलग कैलोरीज होती हैं, अलग अलग होती है, ठीक है ना। आप जो भी ब्रांड यूज करते हैं, आप जो भी चीज यूज करते हैं, उसके अंदर अलग कैलोरीज हैं, वो अलग तरीके से आपके शुगर लेवल को अफेक्ट करेगा। तो जिन लोगों को डायबिटीज है वो ले सकते हैं, लेकिन कम मात्रा में लेना, ले रहे हैं तो आपको शुगर की दवाइयां नहीं लेना है, बहुत ज्यादा रिस्क बढ़ जाता है। यहाँ पे एक टिप और ये दोस्तों कि अगर आपके शरीर में अल्कोहल गया है तो आपको पानी की कमी नहीं रखना है। कई लोग ऐसे होते हैं सीधा दारू पी लिया और पानी तक नहीं पीते हैं, 24 घंटे तक घूमते रहते हैं नशे में, तो डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए। एक तो आपका शुगर लेवल कम हो रहा है बॉडी में, ऊपर से आपके शरीर में डिहाइड्रेशन डेवलप हो रहा है, मतलब कि पानी की कमी हो गई है, तो पानी आपको प्रॉपर पीते रहना है। इसलिए अल्कोहल को डाइल्यूट करके पीना चाहिए, या बाद में आप पहले कभी भी पानी जरूर से पिए, कुछ ना कुछ खाते पीते रहें, तो आपको तकलीफ देखने को नहीं मिलेगी। डायबिटीज के लोग हैं उनको दवाई नहीं लेना उस दिन जिस दिन आप शराब पी रहे हैं,
या इंसुलिन का इंजेक्शन नहीं लगाना है। तो आई होप आप समझ गए होंगे दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में दोस्तों, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।